प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैं आपको मणिपुर में जो अभी इन दिनों में बहुत एक वीडियो वायरल हो रही है, इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और उस वीडियो की जो पूर्ण सच्चाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है। क्योंकि जब ये मणिपुर में ये घटना हुई तो ये घटना 4 तारीख को हुई। और बताया जा रहा है कि जब जब इस घटना जब ये हुई तो 18 तारीख को वहां पे थोबिल जिले में जब जब अपनी एफआरआई दर्ज कराई गई तो बताया गया कि 0 एफआरआई कोई भी वहां की जो पुलिस प्रशासन ने कोई भी वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पे इंटरनेट बंद हो गई और 2.5 महीने तक ये जब जब 19 जुलाई जब ये वीडियो सामने आई तब लोगों को पता चला। और अब क्या हुआ कि वहां की जो सरकार है, वहां के जो सीएम जी हैं, वो ऐसे अपने स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि हम जिन लोगों ने भी ये एक शर्मनाक ये हत्या ऐसे काम किया है उन्हें कड़ी सजा दी गई। पर मैं बताना चाहता हूं कि 2.5 महीने तक ये वहां की जो केंद्रीय सरकार थी क्या पहले नहीं करता था ये सब जैसे कह सकते हैं कि सरकारी इसमें शामिल है। पर सच्ची कहते हैं कि सच्चाई कभी भी छिपती नहीं। और खुदा बाबा के वचन में भी लिखा है कि कुछ छिपा नहीं है कुछ ढका नहीं है तो बोलना ना जाए। और आज बात पूरी दुनिया के सामने आ गई और अब ये वीडियो लोगों के सामने आई तो लोगों ने इसका बहुत घृणा योग्य इसका लोगों ने इस बात की कड़ी निंदा की सरकार के ऊपर। और जिन लोगों ने परिवार के साथ शर्मनाक और अश्लील गंदी हरकत उनके बारे में क्योंकि बताया जा रहा है वो 5 लोग थे और 3 मेंबर एक ही परिवार के थे। एक का नाम 56 साल का था और उसका जो बेटा था 19 वर्ष का था और उसकी बेटी 21 साल की थी। और उस आदमी को उन्होंने मार दिया। और जब उस लड़की के साथ जब उन्होंने खैंक करना चाहा तो उसके भाई ने उसे बचाने की कोशिश उसके भाई को भी मार दिया और बुरी तरह से उस लड़की का बहुत सारे लोगों ने खैंक कर दिया। और जो दो औरतें थी एक 52 साल और 42 साल। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको मार देंगे तो ने कपड़े उड़े ला। और उसके बाद लड़की बचाने के कारण उन औरतों ने अपना स्टेटमेंट दिया हमने डर के कारण अपने कपड़े उतारे। और बाद में ने कहा खेत में लेट जाओ और उनमें से कुछ लोगों ने कहा इनके साथ रेप करो और कुछ लोगों ने कहा नहीं छोड़ दो इन्हें हम इसे ऐसे रोड पर बनेगा कमाएंगे। और उन्होंने बताया कि ये हमारा भाग्य है कि हमारा रेप तो नहीं हुआ और हमारे साथ इन्होंने बहुत ही अश्लील गंदी हरकतें कि हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से हमारे साथ बहुत अश्लील गंदी हरकतें। और जब जो बहुत ही शर्मनाक ये बात है और जब ये वीडियो वायरल होकर लोगों के सामने आई तो बहुत सारे रसी लोगों ने भी इस बात की सख्त निंदा की। लोग रोड पर उतर आए सरकारों को लेकर कि ये इतनी देर तक ये क्यों छुप छुप रहे हैं। और आप इस बात को लेकर हमारे जो देश के बॉलीवुड के सितारे हैं बहुत सारे जैसे शाहरुख सलमान अक्षय मैंने स्टेटमेंट सुने शत्रुघ्न सिन्हा जी उन्होंने बहुत अच्छे ऐसे एक घृणा योग्य निंदा की हमारी सरकार को लेकर कि क्यों चुप चुप बैठे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हीरोइन मैंने देखी उन्होंने भी अपनी फिल्म का जो छुड़ाना घृणा ऐसे उन्होंने भी बताया कि बहुत ही गंदी और अश्लील हरकत है। और मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे लगता है कि सरकारें इस कांड में मिली जुली हुई। और बताया जाता है कि
उनके पास वहां से हथियार थे, जैसे के संताली और भी कुछ हथियार थे उनके पास, जिसकी वजह से डर के कारण ये सारा कुछ हुआ है। पर मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को तो सजा देगी पर वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर, अगर वो शांति का तो वो छल रखने वाला भी और निश्चय जिन लोगों ने इस बात उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया है परमेश्वर का लेखा ले, क्योंकि वो परमेश्वर छल रखने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर, और वो परमेश्वर जिसने अपने लोगों के लिए मिशन में 10 विधियां डालकर अपने लोगों को सजाया, तो आज भी जो परमेश्वर वो भूलने वाला परमेश्वर, उसका वचन कहता है जगत के अंदर तुम्हारे साथ, उसका वचन कहता है मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है नहीं, और निश्चय परमेश्वर से बात आता वो असाब लेगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया का असाब रखने वाला परमेश्वर है, तो वो इस बात का सामना क्यों नहीं रख रहे, इस बात का वो क्यों नहीं कर रहे। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कि ये बहुत ही गंदी और अश्लील हरकत है, जिन लोगों ने लिए उनके साथ ऐसा किया, क्योंकि ये कम से कम बताया जा रहा है कि 800 से लेकर 1000 लोगों की थी, जिन्होंने उन लोगों पर अत्याचार किया, उनके घर को उनके घरों को साट दिया, मारा पीटा, लोग डर के कारण भाग गए। और ये जो जो अभी घटना जो सामने आई ये भी डर के कारण ये जंगल कर भाग रहे थे, पकड़ कर और अभी आप वीडियो में देखा है क्या क्या उनके साथ हुआ है। और मेरे मैं बस बताना चाहता हूं कि अब सरकार यानी स्टेटमेंट दे रही है कि हमने कड़ी सख्त सजा दे देंगे, पर ये ढाई महीने तक अब लोग इस बात को मुद्दा उठा रहे हैं कि ढाई महीने, क्योंकि ये वो इंडिया देश है जहां पे एक औरत का एक बेटी सबसे बड़ा सम्मान किया जाता है, पर ये गंदी अश्लील हरकत है जिन लोगों ने भी ली है। और मैंने जाना कि सरकार लोगों को क्या सजा देगी क्या करेगा, पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुखी लेने वाला परमेश्वर, उसका वचन कहता है कि जो मेरे जन्म को सुनता है मेरी आंख की पुतली को सुनता है, और परमेश्वर की आंख की पुतली को सुना एक बब्बर शेर जैसे बब्बर शेर यीशु मसीह का बब्बर शेर है, उसकी आंख को सुना समझ सकते हैं क्या, और निश्चय परमेश्वर से बात आता लिखा है। और जितना भी इस समय मणिपुर लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, परमेश्वर मणिपुर को एक बड़ी तादाद लेकर आ रहा है अपने लोगों को खड़ा कर, अपने लोगों को सहायता कर, और आने वाले दिनों में परमेश्वर वो महान परमेश्वर वो इस बात को साबित करेगा कि मैं सच्चा परमेश्वर, और ये होगा तब देखना मणिपुर में एक बड़ी बेदारी आई कि बाइबल हमें बताता है जहां पे जितना अंधकार था जितना अंधेरा था वहां पे उतनी रोशनी, और उसी तरह से मणिपुर को भी परमेश्वर करेगा। सो बहुत सारे लोग इस बात की बड़ी कड़ी घृणा योग्य निंदा कर रहे हैं, और बहुत सारे मसीह लोग भी जो शर्तों पर वर्त रहे हैं रात दिन मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर निश्चय इस बात को वो प्रकट करेगा और बताएगा कि मैं सच्चा परमेश्वर। तो मैं इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद अर्पण कर रहा हूं कि इस वीडियो के लिए जो खुदा ने मेरे मन में इसे डाला कि
बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को अच्छे से नहीं समझते, नहीं जानते असल में पूर्ण सच्चाई क्या है, क्योंकि ये वीडियो अभी मिस डलाई को वायरल हो रही है, पर ये टाइमिंग रहने का ये कहां है और अब सामने आ रहा है, धीरे-धीरे लोगों को पता चल रहा है, इसीलिए लोगों के अंदर बड़ी गुस्से की लहर आ रही है, बहुत लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है कि ये हमारी ऐसे से कहीं पर भी कुछ हो सकता है, इसलिए लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं सरकार का। इसलिए परमेश्वर जो सच्चा खुदा है, लोग तो कर रहे हैं पर वो हिसाब रखने वाला परमेश्वर है और वो निश्चय पर विशेष इंसान को वो प्रकट करेगा। जैसे पिछले दिनों में पंजाब का माहौल और ये आपको पता है और कैसे परमेश्वर ने उसको भी शांत किया, सब कुछ अपने लोगों के हक में नहीं आया है। तो ओके, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस सच्चाई को अच्छे से नहीं समझते जानते नहीं है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ताकि जो लोग नहीं इस बात को अच्छे से नहीं जानते उन तक ये बात पहुंचे, ताकि कल को जो खुदा बंद के लोग, कोई भी लोग क्यों नहीं, खुदा बंद के लोग सब लोग जो परमेश्वर के बनाए हैं, किसी के साथ कहीं किसी राज्य किसी स्टेट ऐसे किसी की भी वो उसके अंदर हिम्मत आ रही है हम ऐसा करेंगे, नहीं तो लोगों का चुम्मन होता है, उनके अंदर दिलेरी आ जाती है, पहले लोग ऐसा सरकार हमारे साथ आ रही है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये लोग तक ये बात पहुंचे और लोग इस बात को समझे। बहुत सारे लोग तो सरकार की कड़ी कड़ा विरोध कर रहे हैं, तो मैं बस इसमें बताना चाहता हूँ मणिपुर के लिए, वहां पे सब लोगों के लिए जिस पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, घर घर साड़ दिए हैं, जो घर पे कार आ गए, खाने को नहीं है, पीने को नहीं, रहने के लिए नहीं है, तो हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तू सच्चा न्यायी परमेश्वर, खुदा बंद तू कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर, तो अपने लोगों की सुखी लेने वाला परमेश्वर, जितने लोग भी मणिपुर में तेरे जिनके साथ भी ये परमात्मा के साथ बड़ा गंदा व्यवहार हुआ मेरे परमेश्वर की सुखी ले, उनके परिवारों की सुखी ले परमेश्वर, वहां के सब लोगों की सुखी ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो काम मनुष्यों से नहीं पिता दर से सब कुछ बताता है, यस यस, और तेरे लिए तेरा वचन कहता है कि मैंने बड़ी सामर्थ्य से राष्ट्र पृथ्वी को बनाया है, ये मनुष्य तेरा काम कोई बड़ा बड़ा, यस यस, तेरे लिए ये कोई कोई काम बड़ा बड़ा, जितने लोगों ने परमेश्वर ये शर्मनाक ये बहुत ही घृणा योग्य परमेश्वर ये काम किया परमेश्वर, उन लोगों को खुदा का दृष्टि थी उनका हिसाब इस बात आरुष साफ भी कर गए कि खुदा ने छल करने वाला परमेश्वर अपने लोगों का पता लगाने वाला परमेश्वर, यस यस, तू सच्चा खुदा बाबा परमेश्वर पिता, जिन लोगों के पास खाने को रहने को पीने को नहीं परमेश्वर अपने लोगों को अपने ड्राइवर हेल्पर पर खुदा बाबा आपके खड़े रहेगा ताकि उन लोगों को लोग सुखी हैं, उनके बच्चों की परवाह ताकि जो पाप अत्याचार है वहां पे शांत होकर बैठे के लिए लोग बचाए जाएंगे और मन पर कोई परमेश्वर के लिए चाहत है सब बचाए जाएंगे, सत्य को कुछ आम ले ले एक बड़ी बड़ी गाड़ी आ गया, यस यस, जैसे पंजाब हम आशा करते
तेरा वचन तेज वेग से फैलने वाला है परमेश्वर, अपनी आशा कर चुका है खुदा उदम मनुर के उस राजा को शांत कर चुका है, अपने लोगों पर दया कर चुका है, सब कुछ अच्छा कर चुका है, अपने इतिहास इन सब बातों के लिए परमेश्वर सारा और महिमा खुदा तेरे नाम को देते हैं और तेरे शिष्य और पवित्रता से यीशु आमीन।